हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू प्रॉब्लम लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ए बाइनरी ट्री इसको डिस्कस करेंगे। लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होता है? आपको बाइनरी ट्री की दो नोड दी होंगी, पी और क्यू। आपका जो बाइनरी ट्री है उसमें आपको दो नोड दी होंगी, उनका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा? लोवेस्ट नोड इन टी जिसके पी और क्यू दोनों डिसेंडेंट हो। जैसे अगर हम ये वाला बाइनरी ट्री देखें, इसमें 4 और 7 ये दो नोड दी हो तो उनका एलसी है। एलसीए मीन्स लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा कि 2 होगा। ये लोवेस्ट नोड है जिसके ये दोनों डिसेंडेंट है। सिमिलरली अगर मैं 5 और 4 ये कंसीडर करूं, इनका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा? 5 खुद होगा, 5 5 का डिसेंडेंट है और 5 का डिसेंडेंट 4 भी है। अगर हम ये 5 और 8 देखें तो इनका एलसीए क्या होगा? ये 3 होगा, 3 का डिसेंडेंट 5 भी है, 3 का डिसेंडेंट 8 भी है। अगर हम 6 और 2 देखें तो इनका एलसीए क्या आएगा? 5 आएगा। 6 और 2 हमारे 5 के भी डिसेंडेंट है, 3 के भी डिसेंडेंट है, लेकिन एलसीए आपका क्या होता है? लोवेस्ट नोड जिसके ये दोनों डिसेंडेंट हो, इसलिए हमारा एलसीए क्या आएगा? ये 5। नाउ हम एलसीए फाइंड आउट कैसे करें? अगर हमें दो नोड दिए हों तो हम उसका एलसीए फाइंड आउट कैसे करें? जैसे मैं ये 7 और 4 ले लेता हूँ। अगर मैं 7 और 4 लूँ, इनका एलसीए क्या होगा? 2 होगा। अब अगर मैं रूट से लेकर एलसीए यहाँ तक का पाथ देखूँ, 3 5 फिर 2, दोनों ही नोड के लिए मेरा ये पाथ कॉमन रहेगा। जैसे मैं 3 से 7 तक का पाथ देखूं और 3 से 4 तक का पाथ देखूं, जो हमें दो ओरिजिनल नोड दी थी 7 और 4, अगर हम इसका रूट से पाथ देखें, एक पाथ मेरा क्या आएगा? 3 5 2 7, और एक पाथ क्या आएगा? 3 5 2 4। मेरे लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर के बाद बाकी नोड्स कॉमन होगी, और लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर के बाद उसके आगे वाला पाथ ये डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आगे भी कोई नोड कॉमन होती तो वो मेरा लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर बनता। तू मेरा लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है, यानी कि यहाँ से मेरे पाथ डाइवर्ज हो रहे हैं। एक नोड लेफ्ट साइड में मिलेगी, एक नोड राइट साइड में मिलेगी, यानी कि इसके बाद का पाथ मेरा डिफरेंट आएगा। तो अगर हम रूट से लेकर पहली नोड तक का पाथ, रूट से लेकर सेकेंड नोड तक का पाथ ये स्टोर कर लें, तो जहां पर हमारा फर्स्ट मिसमैच हो रहा होगा, जैसे 7 और 4 यहाँ पर फर्स्ट मिसमैच हो रहा है, तो उससे जस्ट पहले वाली नोड हमारी एलसीए हो जाएगी। तो फर्स्ट अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं? हम रूट से लेकर फर्स्ट नोड तक का पाथ स्टोर कर लें, रूट से लेकर सेकंड नोड तक का पाथ स्टोर कर लें, और फिर उनमें फर्स्ट मिसमैच फाइंड आउट कर लें। जहां पर भी फर्स्ट मिसमैच मिलेगा उससे जस्ट पहले वाली नोड हमारी एलसीए हो जाएगी। नाउ हम ये रूट से लेकर एक नोड तक का पाथ स्टोर कैसे करें? उसके लिए हम सिंपल डीएफएस लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में हम 3 पर हैं, मान लो हम 7 को सर्च कर रहे हैं, हमें रूट से लेकर 7 तक का पाथ स्टोर करना है। हम 3 पर आए, फिर हम 5 लेफ्ट और राइट कहीं पर जाएंगे। हम मान लेते हैं कि हम लेफ्ट टू राइट इस तरह से ट्रेवल्स करेंगे, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। हम 5 पर आएंगे, फिर अगेन हम इसके लेफ्ट में 6 पर आएंगे, 6 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, तो हम बैक ट्रैक करके वापस 5 पर आएंगे। हमें यहाँ से कुछ नहीं मिला, इस सब ट्री में हमारी नोड नहीं मिली, तो हम बैक ट्रैक करके पेरेंट पर आएंगे। हम इस 6 को यहाँ से रिमूव कर देंगे, अभी हमारा करंट पाथ क्या है? 3 और 5। फिर हम 5 के राइट में जाएंगे, हम आए 2 पर, फिर हम 2 के लेफ्ट में जाएंगे, 7 पर आए, और 7 हम सर्च कर रहे थे, तो हमारा रूट से लेकर इस नोड तक का पाथ क्या हो गया? 3 5 2 7। ये हमने सिंपली डीएफएस का यूज करके फाइंड आउट कर लिया। अगर हम मान लो 4 ढूंढ रहे होते, अगेन हम क्या करते? हम 3 से शुरू करते, लेफ्ट में आते 5 पर, आते 5 के लेफ्ट में जाते 6 पर, आते 6 में कुछ ना मिलता तो बैक ट्रैक करके वापस 5 पर आते, 5 राइट में जाते 2 पर, आते 2 के लेफ्ट में जाते, लेफ्ट में हमें कुछ नहीं मिलता तो बैक ट्रैक करके वापस 2 पर आते, फिर हम इसके राइट में जाते 4 पर आते, तब हमें नोड मिल गई, तो हमारा पाथ क्या आया? 3 5 2 4। इस तरह से हम हमारे पाथ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक और अगर हम एग्जांपल लें, अगर 8 को सर्च कर रहे होते तो हम क्या करते? पहले 3 से शुरू करते, फिर 5 पर आते, फिर 6 पर आते, 6 से नहीं मिला बैक ट्रैक करते वापस 5 पर आते, 5 से 2 पर जाते, 2 से 7 पर जाते, बैक ट्रैक करके 2 पर आते, फिर 4 पर जाते, फिर 4 से बैक ट्रैक करके 2 पर आते, से बैक ट्रैक करके 5 पर आते, 5 से बैक ट्रैक करके 3 पर आते, फिर हम राइट में सर्च करना शुरू करते, 1 पर जाते, फिर 1 के लेफ्ट 0 पर जाते, यहाँ से बैक ट्रैक करके वापस 1 पर आते, फिर हम राइट 8 पर आते, अब हमें नोड मिल गई, तो हमारा पाथ क्या आता? 3 1 8। जिस नोड पर हम जा रहे हैं उसको पुश कर दो अपने पाथ में, जब वहां से बैक ट्रैक कर रहे हैं तो उसको पॉप कर दो। तो इस तरह से हम दोनों पाथ स्टोर कर लेंगे, लास्ट में जो दोनों पाथ आए होंगे उनको कंपेयर करते जाएंगे, जहां पर फर्स्ट मिसमैच मिलेगा उससे पहले वाली नोड हमारा एलसीए हो जाएगा।
तो हमारी फर्स्ट अप्रोच का कोड कैसा रहेगा, हम रूट से लेकर पी तक का पाथ स्टोर करेंगे, रूट से लेकर क्यू तक का पाथ स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के लिए हम दो वेक्टर ले लेंगे, पाथ वन हमारा रूट से पी का पाथ, पाथ टू हमारा रूट से लेकर क्यू तक का पाथ, और इस पाथ को स्टोर करने के लिए हम इस फाइंड पाथ इस फंक्शन का यूज करेंगे। अब जब हमें दोनों पाथ मिल जाएंगे, पाथ वन में एक पाथ, पाथ टू में एक पाथ, हमें क्या करना था, हमें इन दोनों पाथ को कंपेयर करना था। तो हम वन बाय वन कंपेयर करते जाएंगे, जहां पर भी हमें फर्स्ट मिसमैच मिलेगा वहां से हम ब्रेक कर जाएंगे, और उससे जस्ट पहले वाली नोड हमारा एलसी हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि हम पाथ कैसे स्टोर कर रहे हैं। पाथ स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली डीएफएस रन करेंगे। डीएफएस का हमारा बेस केस क्या होगा, अगर हमारी रूट नोड नल हो जाए, यानी कि हमें वहां पर नोड नहीं मिलने वाली, तो हम वहीं से रिटर्न मार जाएंगे। अदरवाइज अगर हमारी रूट नोड नल नहीं है, हमें क्या करना है, उसको अपने पाथ में स्टोर कर लेना है। और अगर ये वाली नोड हमारी, जो नोड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वही है, तो उस केस में हम ये रिटर्न कर देंगे कि हमें नोड मिल गई, हम उसके फर्दर सब ट्री में ट्रैवर्स नहीं करेंगे, हम यहीं से रिटर्न मार जाएंगे कि हमें नोड मिल गई। अगर ये रूट नोड नोड के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट सब ट्री में देखेंगे, राइट सब ट्री में देखेंगे, अगर हमें कहीं पर भी वो नोड मिल गई, तो हम वहां से रिटर्न कर देंगे कि हमें नोड मिल गई है। अगर लेफ्ट में नोड नहीं मिली, तो ही हम राइट सब ट्री में सर्च करेंगे। अगर लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्री में नहीं मिली, तो हमें क्या करना है, बैक ट्रैक करना है, हमें उसके पेरेंट नोड से बाकी जगह पर जाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास से इस नोड को पॉप कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि हमें नोड नहीं मिली है। तो इस तरह से डीएफएस के थ्रू हमारे रूट से लेकर दोनों नोड तक के पास दो वेक्टर में स्टोर हो जाएंगे, और हम उनको पेयर कर लेंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ये तो हमने सिंपल डीएफएस लगाया, तो यहाँ से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑफ एन आएगी। और मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, दो बार इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ से भी एन, यहाँ से भी एन। उसके बाद हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम हमारे पाथ वेक्टर पर लूप लगा रहे हैं। हमारा पाथ वेक्टर में मैक्सिमम कितनी नोड्स हो सकती हैं, वन नोड्स, जितनी हमारी बाइनरी ट्री में नोड्स होंगी उतनी ही स्टोर हो सकती हैं। तो यहाँ से भी हमारा एन साइज का एक लूप लगेगा, ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगी, ऑफ एन। और हमें स्पेस कितना लगेगा, एक हमारे रिकर्शन स्टैक के लिए, और एक हमें इस वेक्टर दोनों पाथ को स्टोर करने के लिए, तो इसके लिए भी हमें कितना स्पेस लगेगा, ऑफ एन। अगर हम इस अप्रोच में देखें, हम हमारे ट्री पर दो बार लूप लगा रहे हैं, एक बार पाथ स्टोर करने के लिए, एक बार दूसरी नोड तक का पाथ स्टोर करने के लिए, फिर हम इन पाथ पर अगेन एक और लूप लगा रहे हैं। तो हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम सिंगल ट्रैवर्सल में एलसीए फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार उस अप्रोच को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी सिंगल ट्रैवर्सल वाली अप्रोच है, वो एक ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर किसी नोड को एलसीए होना है, हमें कोई दो नोड दिए हैं पी क्यू, अगर किसी नोड को उनका एलसीए होना है, हमारी पी और क्यू का एलसीए होना है, उसके लिए हमारी एक नोड इसके लेफ्ट हाफ में, एक नोड इसके राइट हाफ में लाई करनी चाहिए। जैसे अगर हम 7 और 8 का एलसीए देखें, तो कितना आएगा, ये आएगा, क्योंकि एक नोड इसके लेफ्ट हाफ में, एक नोड इसके राइट हाफ में है। अगर दोनों ही नोड एक साइड लाई करती हैं, जैसे 7 और 4 दोनों एक साइड लाई करती हैं, तो ये नोड इसका एलसीए नहीं हो सकती, इसका एलसीए भी उसी हाफ में लाई करेगा। दोनों नोड लेफ्ट हाफ में है, इसका एलसीए भी लेफ्ट हाफ में लाई करेगा, यानी कि इसका एलसीए 5 या फिर उससे बिलो हो सकता है। अब अगर हम देखें 5 के दोनों क्या है, राइट हाफ में लाई कर रहे हैं, 7 और 4 दोनों ही राइट हाफ में लाई कर रहे हैं, तो ये भी इन दोनों का एलसीए नहीं हो सकती, इसका एलसीए भी 5 के राइट हाफ में लाई करेगा। अब आए हम 2 पर, 2 देखेगा एक नोड लेफ्ट में, एक नोड राइट में, 2 इसका एलसीए है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, कि अगर किसी नोड के एक नोड लेफ्ट में लाई कर रही है, एक नोड राइट में लाई कर रही है, तो वो नोड उन दोनों नोड का एलसीए होगा। अगर दोनों ही नोड एक साइड लाई कर रही है, जैसे अगर हम 0 और 8 भी लें, ये 3 के दोनों राइट में लाई कर रही हैं, 3 इनका एलसीए नहीं हो सकता, इनका एलसीए राइट में ही लाई करेगा। जिस हाफ में दोनों नोड होगी, उस हाफ में लाई करेगा, 0 और 8 का एलसीए क्या होगा, 1 होगा। नाउ इस ऑब्जर्वेशन का हम यूज कैसे करें, हम क्या करेंगे, हम हमारे बाइनरी ट्री में दोनों नोड पी और क्यू को सर्च करने की कोशिश करेंगे। हम अलग अलग सर्च ना करके दोनों नोड को एक साथ सर्च करने की कोशिश करेंगे। जो भी नोड हमें मिल जाएगी, हम वहां से रिटर्न करते जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में हम आए 3 पर, मान लो हम 7 और 8 इन दो नोड को सर्च कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग में आएंगे 3 पर, 3 से आएंगे 5 पर, 5 से आएंगे 6 पर, 6 से कुछ नहीं मिला, हम यहाँ पर नल रिटर्न कर देंगे। ये अपने राइट हाफ में देखेगा, ऊपर आएगा वो अपने लेफ्ट में जाएगा, यहाँ पर इसे ये नोड मिल गई, तो ये अपने आप को रिटर्न कर देगा कि यस एक नोड हमें मिल गई है, 7 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा,
ये अपने राइट हाफ में देखेगा, यहाँ से इसे कोई नोड नहीं मिली तो ये नल रिटर्न कर देगा। इस साइड से उसे कोई नोड नहीं मिली है, एक साइड से इसे नोड मिली है, एक साइड से नोड नहीं मिली, यानी कि ये तो एलसी हो नहीं सकता, तो एक ने प्रिंट को क्या रिटर्न कर देगा, यही 7 नोड। इसे एक नोड मिली है, 5 देखेगा, इसे लेफ्ट से नल मिला है, राइट से एक नोड मिली है, तो अपने प्रिंट को क्या रिटर्न कर देगा, इसे एक नोड मिली है। ये 3 अपने राइट में देखेगा, 1 पर आएगा, 0 पर आएगा, 0 से कोई नोड नहीं मिली तो ये नल रिटर्न कर देगा। ये अपने राइट में जाएगा, 8 पर देखेगा, एक और नोड मिल गई, तो ये भी क्या रिटर्न कर देगा कि यस 8 नोड मिल गई। 1 देखेगा, लेफ्ट से नल, राइट से 8, मैं तो एलसी हो नहीं सकता, पेरेंट को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मुझे यहाँ से एक नोड मिली है, ये यहाँ से 8 रिटर्न कर देगा। अब 3 देखेगा, इसे लेफ्ट से भी एक नोड मिली है, राइट से भी एक नोड मिली है, यानी कि जिन 2 नोड्स को हम सर्च कर रहे थे, एक नोड इसके लेफ्ट में है, एक नोड इसके राइट में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एलसी है। 7 और 8 का एलसी क्या है, 3, और ये अपने आपको एलसी रिटर्न कर देगा, ये अपने पेरेंट को 3 रिटर्न कर देगा, और क्योंकि ये रूटीन नोड थी तो ये हमारा आंसर रिजल्ट हो जाएगा कि एलसी हमारा 3 है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम 7 और 4 इनका एलसीए फाइंड आउट करते हैं। हम 7 और 4 इनको फाइंड आउट करेंगे, ये से शुरू करेंगे, लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में आएंगे, कुछ नहीं मिला तो यहाँ से ये नल रिटर्न कर देगा, राइट में आएगा, ऊपर आएगा, उसे लेफ्ट में आएगा, यहाँ से इसे एक नोड मिल गई तो ये अपनी नोड को रिटर्न कर देगा। फिर 2 अपने राइट में जाएगा, राइट में देखेगा, इसे यहाँ से भी एक नोड मिल गई तो ये यहाँ पे 4 रिटर्न कर देगा। फिर 2 देखेगा, एक नोड इसे लेफ्ट में मिल गई, एक नोड इसे राइट में मिल गई, इसका मतलब क्या है कि हमारा एलसीए 2 है। अब इसे रिटर्न करना है, हमारे एलसीए तो मिल गया लेकिन हमें अपने आंसर में, हम रिकर्शन के अंदर है, इसको फर्दर प्रोपेगेट भी करना है, अपने पेरेंट को प्रोपेगेट भी करना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 7 या 4 की बजाय 2 पास कर देगा कि एलसीए हमारा 2 है। 5 देखेगा, लेफ्ट से नल मिला, राइट से 2 मिला, तो ये 2 पास कर देगा पेरेंट को, एक नोड हमें मिली है। फिर 3 देखेगा, 1 पर जाएगा, 1 से 0 पर जाएगा, कुछ नहीं मिला, यहाँ से नल आएगा, 1 से 8 पर जाएगा, यहाँ से भी नल आएगा, दोनों साइड से नल आया तो ये अपने पेरेंट को नल रिटर्न कर देगा। फिर देखेगा, मुझे 2 मिला, यहाँ से नल मिला, तो ये अपने पेरेंट को 2 रिटर्न कर देगा, और 2 हमारा एलसी हो जाएगा, फाइनल हमारी 2 नोड रिटर्न हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों नोड्स को एक साथ सर्च कर रहे हैं, जैसे ही हमें कोई नोड मिलती है हम उस नोड को रिटर्न कर देते हैं, और पेरेंट क्या चेक करता है कि अगर उसे दोनों साइड से नोड मिली है, एक लेफ्ट से एक राइट से, इसका मतलब क्या है कि वो एलसी है, और वो खुद को रिटर्न कर देता है पेरेंट को, ताकि अल्टीमेटली हमारा एलसीए रिटर्न हो सके, हमारे रिकर्शन से हमारा एलसीए रिटर्न हो सके। और पेरेंट क्या देखता है, अगर दोनों साइड से नल मिला है तो नल रिटर्न कर देगा, अगर एक साइड से नोड मिली है तो जो नोड मिली है वो रिटर्न कर देगा, दोनों साइड से नोड मिली है तो खुद को रिटर्न कर देगा कि एलसीए मैं हूं। इस तरह से हम सिंगल ट्रैवर्सल में अपना एलसीए फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम रूट से शुरू करेंगे और दोनों नोड पी और क्यू इनको एक साथ सर्च करेंगे। अगर हमारी रूट नोड नल है, इसका मतलब वहां से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हम नल रिटर्न कर देंगे। अगर हमारी रूट नोड इधर पी या क्यू उसके इक्वल है, तो हम हमारी रूट नोड को रिटर्न कर देंगे, जो इंडिकेट क्या करेगी कि हमें इस साइड से एक नोड मिली है। अब हमारी रूट नोड अगर पी या क्यू इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमें लेफ्ट और राइट दोनों सबट्री में सर्च करना है। हम लेफ्ट सबट्री में सर्च करने जाएंगे, हम राइट सबट्री में सर्च करने जाएंगे, हमें लेफ्ट सबट्री से एक आंसर मिलेगा, राइट सबट्री से एक आंसर मिलेगा। अगर हमारे दोनों ही नॉन नल आते हैं, इसका मतलब क्या है, हमें लेफ्ट में एक नोड मिली है, राइट में एक नोड मिली है, यानी कि जो हमारी करंट नोड है वो एलसी हो गई, हम रूट को रिटर्न कर देंगे। अगर इन दोनों में से केवल एक ही नॉन नल आए, एक नल आई, एक नॉन नल आए, इसका मतलब क्या है कि हमें एक ही साइड से नोड मिली है, तो जिस साइड से भी हमें वो नोड मिली होगी, अगर लेफ्ट से मिली है तो हम लेफ्ट को रिटर्न कर देंगे, राइट से मिली होगी तो हम राइट को रिटर्न कर देंगे। इस तरह से हमारा एलसीए पेरेंट तक प्रोपेगेट हो जाएगा और लास्ट में इसी फंक्शन से रिटर्न हो जाएगा। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, अगर हम देखें तो हम सिंपल ट्री पर प्रीऑर्डर ट्रैवर्सल लगा रहे हैं, पहले रूट को चेक किया, फिर लेफ्ट, फिर राइट, और उसके बाद कुछ कॉन्स्टेंट प्रोसेसिंग किया, यानी कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी जो प्रीऑर्डर ट्रैवर्सल की होती है, जो कि क्या होती है, ऑफ एन। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, जितनी हमारी ट्री की हाइट होगी हमारा रिकर्शन स्टैक वहां तक जाएगा, यानी कि ऑफ एच, इतनी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। थैंक यू गाइस।